आज मैं आप लोगों के लिए आटे और गुड़ की मालपुआ की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने इसे बिल्कुल ही नए तरीके से बनाया है, आप लोग इसे एक बार जरूर बना के ट्राई करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ आटे का मालपुआ। इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी गेहूँ काटा लिया है, तो चलिए फिर बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन में हम ऐड करेंगे आधा कटोरी गुड़ का पाउडर। हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, तो आधा कटोरी गुड़ का पाउडर ऐड कर देंगे। गुड़ का पाउडर अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। गुड़ के पाउडर डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक कटोरी गर्म पानी। एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है, तो हम एक कटोरी गर्म पानी को हम इस गुड़ में ऐड कर देंगे। आप लोग अगर इस तरह से आटे का मालपुआ एक बार बना लोगे ना, तो बार बार बनाओगे, इतना अच्छा लगता है खाने में जिसका कोई जवाब नहीं, और झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर अब हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देते हैं एक कटोरी। आप देखेंगे कि हमने इसमें एक कटोरी गर्म पानी ऐड कर दिया है। हमने पानी नाप लिया था पहले से, एक कटोरी गर्म पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। गर्म पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इस मालपुए को 10 मिनट के अंदर ही बना के तैयार कर सकते हो और खा सकते हो। खाने में बेहद ही लाजवाब लगता है। जब आप एक बार बनाओगे तो आप लोगों के घर के बड़े बच्चे सभी को ही पसंद आएगा। आप देख सकते हो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस पानी में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। तो चलिए फिर आपको दिखलाते हैं। हम एक बर्तन में 2 चम्मच घी ले लेंगे और इसको पिघला लेंगे। हमने तड़का पैन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच घी डाल के अब इसको थोड़ा पिघलने देंगे गैस पे डाल के, और घी हम इसमें डाल देंगे। जब घी पिघल जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे। अब चलिए अब हम इसमें पिघला हुआ घी ऐड कर देते हैं। घी डालने के बाद हम इसमें आटा ऐड करेंगे। गेहूं का आटा जो हमने रखे हुआ है ना, वही हम आटा इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर अब हम इसमें आटा ऐड कर देते हैं। आटा डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो गुड़ वाले पानी में हमने आटा ऐड कर दिया है। आटा डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा भी इसमें लम्स न रहे। इसको अच्छे तरीके से पहले हमको मिक्स कर लेना है। आप लोग अगर इस प्रोसेस से मालपुआ बनाओगे तो आप लोगों का मालपुआ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। खाने में तो बेहद ही लाजवाब लगता है, इतना अच्छा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। जब आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, इतना अच्छा लगता है। आप देख सकते हो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कटोरी मलाई वाला दूध। तो चलिए फिर इसमें हम मलाई वाला दूध ऐड कर देते हैं। 2-4 चम्मच पहले बचा लेंगे और इसमें बाकी सब दूध है इसमें ऐड कर देंगे। मलाई वाला दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हम कलछी से इसको घुमाते हुए मिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। बचा हुआ जो कटोरी में दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर हम बचा हुआ दूध जो है वह भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। दूध डाल के फिर से इसको अच्छे तरीके से लगातार मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। थोड़ा भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, आपका मालपुआ बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हो किस तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे कि कितना अच्छा गाढ़ा बैटर बन के तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप लोग आटे का मालपुआ का बैटर बनाओगे तो आप लोगों का मालपुआ का बैटर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हो बैटर बनके रेडी है। इसमें हमने 2-3 चुटकी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। आप देखेंगे कि इलायची पाउडर डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम मालपुआ बना लेते हैं। इधर गैस पर हमने पैन में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। रिफाइंड तेल हमने ऐड किया था। तेल अच्छे तरीके से अब गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा इसमें मालपुआ वाला बैटर डाल के आपको दिखलाते हैं। एक बूंद मालपुआ वाला बैटर डालेंगे, जब ये ऊपर तैरने लगेगा तब समझिए कि तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। आप देख सकते हो मालपुआ वाला बैटर जो हमने थोड़ा सा डाला था वो ऊपर आ चुका है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और मालपुआ तल लेते हैं दूसरा। आप लोग इस मालपुआ को अचार के साथ, सब्जी के साथ, चाहे वैसे भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मालपुआ का बैटर हम ले लेंगे कलछी में और इसमें हम डाल देंगे। आपको दिखलाते हैं किस तरह से बैटर को डालना है। एक ही जगह ही डालिएगा, ज़्यादा फैलाने का ज़रूरत नहीं है।
आपको इस तरह से एक जगह ही बैटर डालना है, वो अच्छे तरीके से अपने आप शेप ले लेगा। आप देख सकते हो किस तरह से हम मालपुआ के बैटर को तेल में डाल रहे हैं, उसी तरह से आपको डाल लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस मालपुआ को तल लेना है। चार मालपुआ हमने डाल दिया है एक बार में, जितना जगह हो आप उस हिसाब से बना सकते हो। एक तरफ जब यह हो जाएगा तब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मालपुआ तेल में तैर रहा है। अब इसको हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। चलिए फिर अब हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से मालपुआ को तल लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखें। देखिए मालपुआ का कितना अच्छा कलर आया है, ये आटे का मालपुआ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब हम इसको चिमटी से इस तरह से निकाल लेंगे दबा के, ताकि एक्स्ट्रा तेल जो उसका होगा वो छन्नी में निकल जाएगा। आटे के मालपुआ की रेसिपी की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा वाला बैटर भी हम इसी तरह से सारे मालपुआ को तल के रेडी कर लेंगे। अब जो बैटर है उससे हम फिर से मालपुआ बना लेते हैं, और उसी प्रोसेस से हम उसको फिर से जब एक तरफ से हो जाएगा तब हम उसको दूसरी तरफ से पलट के तल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से मालपुआ को तल लेना है। ये झटपट से बनने वाली मालपुआ हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होती है। आप लोग इस मालपुआ को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए एक तरफ से हो चुका है, अब दूसरी तरफ से भी हमने इसको पलट लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप लोग इस आटे की मालपुआ की रेसिपी को बनाइए और खाइए। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।